सुनो, किरचॉफ लॉ देखो, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखो, किरचॉफ लॉ क्या कहता है? दो है किरचॉफ लॉ, एक फर्स्ट किरचॉफ लॉ, एक सेकंड। पहले वाले को करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ या जंक्शन लॉ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पे अगर ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये I3 करंट है, बताओ इन सबका सम क्या होना चाहिए? ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा IN इक्वल टू जीरो। इसका कहने का मतलब है, इधर से यू करंट आया, इधर से यू करंट आया, ये इधर गया। अगर ये करंट है I इक्वल टू 2 एम्पियर, I1 इस डायरेक्शन, इधर है I इक्वल टू 3 एम्पियर, तो यहां से 3 कूलम चार्ज पर सेकंड इस जंक्शन पे आ रहे हैं, यहां से 2 कूलम चार्ज पर सेकंड यहाँ पे आ रहे हैं, तो इधर से कितने चार्जेस जा रहे होंगे? वेक्टर जैसा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा ये। हाँ, तो अब इधर से कितने चार्जेस जा रहे होंगे? इधर 5, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो इधर से 2 आ रहे और इधर से 3 आ रहे और इधर मान लो 4 जा रहे होते, तो मतलब एक यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा हर एक सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे तो इसको ओबेसिटी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ या ना? तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? क्या प्रिंसिपल है इसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना? तो लिखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ या करंट लॉ, लिखो। इट स्टेट्स दैट नेट करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नेट करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये बना लो। कृष्ण ने ये कहा है कि जितना इधर से करंट आएगा इतना इधर से, और इस डायरेक्शन में बना दिया, तो नेट करंट ये जीरो होना चाहिए। या फिर इधर से मान लो 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो फिर इधर कितना जा रहा होगा? 5 एम्पियर जा रहा होगा ना। 1 सेकंड में इस जंक्शन पे 3 कूलम चार्ज आ रहा है, इधर से 2 कूलम चार्ज आ रहा है, तो इधर से इधर कितना जा रहा होगा? 5 कूलम चार्ज। अच्छा, डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट द नेट करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नेट करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बाकी बुक्स में खूब डेफिनेशन लिख रखी है, आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल क्वेश्चन देखो, टेन एम्पियर आ रहा है इधर, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर जा रहा है। मेरे को ये बताओ इस वायर में कितना करंट होगा?
इस वायर में कितना करंट होगा? यार अगर तीन इधर जा रहा है, दस इधर आ रहा है, तो पक्की बात है इधर कितना जा रहा होगा? 7 एम्पियर जा रहा होगा ना। क्या गलत है इसमें बताओ? अब बताओ इधर कितना करंट जा रहा है? बिल्कुल 12 एम्पियर जाएगा। तुम इसी को दे सकते हो ये और ये। इधर कितना करंट आ रहा होगा? टू एम्पियर जा रहा होगा। इधर करंट बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है ये बताओ पहले, और कितना जा रहा है? दस एम्पियर जा रहा बाहर की तरफ, भैया इधर जा रहा होगा 10 एम्पियर। क्या बात समझ में? ये नहीं, क्या बात समझ में? अब बताना, एक मिनट देख लेता हूं मैं। 12 इधर से इधर आ रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो पक्की बात है 10 इधर ही जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात। अनुपम क्या हो जाएगा? 7 बाहर की तरफ, ये बताना। आगे बात समझे? बात समझ में आ गई सबको? पक्का? सिंपल एक ही लॉजिक है कि अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया। और देखो एक क्वेश्चन और देखो। टू एम्पियर, थ्री एम्पियर, एट एम्पियर, फोर एम्पियर, फाइव एम्पियर, सेवन एम्पियर। मेरे को ये बताओ सबसे पहले, इसमें कितना करंट जा रहा होगा? इसमें कितना करंट जा रहा होगा? देखो 3 और 2 5, 5 तो इधर चला गया, 8 में से 5 गए तो इधर कितने बचे? 3 एम्पियर इधर गया। 3 और 5 दोनों का सम कर दो तो इधर कितना जा रहा होगा? 8 एम्पियर जा रहा होगा। ये गलत बन गया। 4 इधर जा रहा होगा, 8 इधर जा रहा होगा, तो इधर कितना जा रहा होगा? 12 एम्पियर जा रहा होगा। हाँ है ना? 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? 2 इधर आना पड़ेगा, इसको जा नहीं सकता इधर से। इधर से 2 एम्पियर आएगा तभी 4 इधर जाएगा। हाँ है ना? मेरे हिसाब से मोटा मोटा तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है ना। यहाँ अभी भी क्वेश्चन आया, तुम्हें समझ लॉजिक तो समझ में आ गया ना तुम सबको, क्या है लॉजिक? पक्का? पक्का लॉजिक समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अभी मेरे को ये बात बताओ, तुम इसमें से कितना करंट जा रहा है? कितना करंट जा रहा है? तो जीरो करंट जा रहा है। मोक्ष कैसे आया बेटा, जीरो बताना चाह रहे मेरे को? यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना, नौ हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4.5 को डिवाइड कर दे कितने से, 18 वोल्ट से, तो करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर नहीं आ जाएगा करंट, ये बताना। कितना सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है इसको बताओ जरा मैं। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। मेरे को एक चीज का जवाब दो तुम, यहां पे अगर मैं एक स्विच लगा दूं, अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, आप बताओ इस स्विच के थ्रू करंट ए से बी की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा, और कितना जाएगा अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं? क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा हूं? अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो कितना करंट जाएगा और किधर जाएगा? बी टू ए या ए टू बी, और कितना जाएगा ये बताओ मेरे को, कितना जाएगा वैल्यू भी बताओ। तुम करो सॉल्व, फिर देखो मैं जल्दी से बताऊंगा कैसे। यार एवा बता, इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देगा, ये भी कंडक्टिंग वायर से जुड़े, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है अनुपम, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 6 3 18 / 9, तो 2 ओम आ तो गया इक्विवेलेंट इस ऊपर वाले का, ऐसे नीचे वाले का भी 2 ओम आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं बात समझे, बात समझ में आ गई सबको? मेरे को बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल 18 वोल्ट है, तो जितना ये है उतना ये है, तो सीरीज में अगर दोनों इक्वल हैं तो जो ड्रॉप इसके अक्रॉस है वही ड्रॉप इसके अक्रॉस है, हाँ या ना? तो अगर मैं इस पॉइंट का जीरो पोटेंशियल मान लूं, तो इसका 18 वोल्ट मान लूं, तो ये दोनों किस वोल्टेज पे आ जाएंगे? 9 वोल्ट और 9 वोल्ट आ जाएगा दोनों, हाँ है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? जयकरण मैंने कहा ये दो रेजिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम के हो गए, ये जीरो पोटेंशियल मान लिया, ये 18 हो गया, तो बीच में अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इसका आधा 9 वोल्ट, हाँ है ना? जगह ना आगे बात समझ में। तो अब इस 6 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट, तो इसके थ्रू इधर कितना करंट जा रहा होगा? हायर से लोअर कितना जा रहा होगा? 9 / 6 दैट इज 3/2 एम्पियर जा रहा होगा। आकर्षित अनम्यूट कर रहा हूं बेटा तेरे को, हाँ बोल सर। वो जो आपने बताया इक्विवेलेंट कितना होगा सर, वो मैंने सुना नहीं था सर, कितना होगा सर? 9 वोल्ट होगा। 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 6 अनम्यूट किया बेटा, चलो मैं फिर से बता रहा हूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, इसका भी 2 ओम होगा। जब तुम्हें पता है जब दोनों का ही 2 ओम होगा, तो बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? अगर ये 0 और ये 18 है, तो बीच वाले का क्या होगा? सिंपल बात है यार, ये 2 है रेजिस्टेंस 2 ओम का और 2 ओम का, ए पॉइंट का पोटेंशियल 12 है,
इसका जीरो तो बीच वाले का क्या होगा सिक्स, इसका जीरो इसका 18 है तो बीच वाले पॉइंट का क्या होगा नाइन। अभी भी नहीं ये बात समझ में, अब आगे बात समझे। तो अब मैं ये कह रहा हूं तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, नाइन आ गया। तो कितना करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 एम्पीयर। आया ना, ऐसे इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, इधर से इधर ही आएगा ना, कितना करंट आएगा इससे इधर से इधर, 3 एम्पीयर। बहुत बढ़िया। अब बताओ इसमें इधर से इधर कितना करंट जाएगा भाई, इसके अक्रॉस भी तो डिफरेंस क्या है, 9 ही होगा ना, तो 3 एम्पीयर आएगा। अब एवा बताओ यहां से करंट आ रहा है 1.5 एम्पीयर, तुमने बोला, और इधर जा रहा है कितना 3 एम्पीयर, तो इधर से इधर कितना करंट आ रहा होगा, इधर ही आ रहा होगा ना, कितना करंट आ रहा होगा, तो बस यही आंसर है 1.5 एम्पीयर। तो 1.5 एम्पीयर करंट है और डायरेक्शन है बी से लेके ए की तरफ, 1.5 एम्पीयर। आया ना, इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को, मेरे को पता था ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन एक जैसा है, तो मिड वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी भी नहीं बात होने, अच्छा अनुपम कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट पे ए और बी पे दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट है तो इसके थ्रू करंट कैसे गया, यही बात पूछ रहे हैं ना अनुपम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा तेरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तेरे को अनम्यूट कर रहा हूं। अनुपम, अनुपम बेटा अनम्यूट तो हो जा, माइक नहीं है, कोई बात नहीं। और किसका ये डाउट है, सेम डाउट और किसका है कि जब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही 9 वोल्ट है। आर्यन बख्शी, बहुत बढ़िया, मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन था ये। शरणदीप का भी है, रक्षित का भी है, कोई बात नहीं, आर्यन बख्शी को करते पहले। आर्यन बख्शी, यस सर, तेरे को भी ये कंफ्यूजन आया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 9 0 है, डिफरेंस 0 है, तो करंट कैसे फ्लो हो गया? यस सर। बेटा ये बताया ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? नो सर। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए करंट की फ्लो करने के लिए? ये कंडीशन तो तब है ना जब आपको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट भेजना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये। ऐसे तो अगर मान ले मैं एक बैटरी बनाऊं और ये एक रेजिस्टेंस बनाऊं, तो इसके थ्रू तुम यहां से यहां करंट कैसे भेजोगे, ये बताओ। इन दोनों पॉइंट का तो पोटेंशियल सेम है यहाँ पे और यहाँ पे। अब समझ में आ गई बात भैया? जब वायर ही एकदम कंडक्टिंग है तो उसके लिए डिफरेंस की जरूरत क्या है, है ना? अगर एकदम स्मूथ ही सरफेस है तो फोर्स की क्या जरूरत है इसको चला के रखने के लिए, अपने आप ही चलता रहेगा अगर स्मूथ ही सरफेस है तो। फोर्स तो तब चाहिए ना जब कोई चीज ऑब्स्ट्रैक्ट करे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो तब चाहिए ना जब रेजिस्टेंस हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो। ए बाबा, तो क्या सबको ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? पक्का अब तो समझ में आ गया ना, अच्छी तरह से आ गया ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना अब तो। हाँ, ये खतरनाक बात है, लोग समझ नहीं पाते पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस सी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस सी। ठीक है, अब सुनो, अब लिखो किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज लूप लॉ भी बोलते हैं उसको, या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, ठीक है? अब देखो लूप लॉ और वोल्टेज लॉ में क्या होता है, एवा बताओ।
ई डॉट डी एल क्या चीज होती है? देखा तुमने, पढ़ा है ई डॉट डी एल वोल्टेज, बहुत बढ़िया। एवा बताओ, एक कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो एफ डॉट डी आर क्या होता है? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर क्या होता है? वर्क होता है भैया, एफ डॉट डी आर वर्क होता है, हाँ या ना? अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में अगर क्लोज पाथ में वर्क करोगे, वर्क डन इन क्लोज पाथ, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा कंजर्वेटिव फील्ड में? जीरो आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, जीरो आएगा वर्क। अब जरा एक चीज देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है नेचर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव है नेचर में। तो आप क्या करो, वर्क को डिवाइड कर दो चार्ज से, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है वैसे, है ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, एफ बाई क्यू कर दो, डॉट डी आर कर दो, ये चीज क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा ही आ जाएगा, और कंजर्वेटिव है तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? जीरो। तो एक क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, इसका कहने का मतलब ये है, मान लो ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये है 6 ओम का, ये है 4 ओम का। एक बार बताओ, इस पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल जीरो मान लूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं जीरो वोल्ट मान लूं, तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा? 20 वोल्ट होगा, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट का भी 20 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का भी जीरो वोल्ट होगा, इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। तो इससे इधर इधर से इधर जाओगे तो इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल होगा? 8 वोल्ट होगा। इसका 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया? 12 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया? 8 वोल्ट का। सही बात है एकदम। अब जरा ध्यान से देखना मैं जो बात कहूंगा, इस चीज को ध्यान से देखना। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, मान लो ए नाम दे देता हूं, ए नाम दे देता हूं। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट ए लिखोगे। अब इधर से इधर गई तो पोटेंशियल कितना बढ़ा? बढ़ाया घटा? इधर से इधर गई तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? यहां से यहां गए तो इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो तुम लिख दो प्लस 20, आया ना? समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आ गई? फिर इधर से इधर गए तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इधर से इधर गए तो कितना डिक्रीज किया? कितना डिक्रीज किया? तो माइनस 12। देखो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 12 ही हो गए, आया ना? इधर से इधर गए तो कितना डिक्रीज हुआ? और घूम कर अब वापिस कहां पे आ गए? ए पे। और ये पोटेंशियल किसके बराबर हो जाना चाहिए? ए के बराबर हो जाना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, ये चीज सॉल्व होगी क्या? जा क्या आ रही है ये बताओ? इधर से इधर चला जाएगा तो VA माइनस BA तो जीरो हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू जीरो ही आया ना? आया ना? ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें?
अब अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं, मान लो ये करंट मैं आई लिख दू, अब देखो मैं सिंपल लिखता हूं पोटेंशियल एट ए, फिर क्या लिखूंगा, पोटेंशियल बढ़ा कितना बढ़ा, ई बढ़ा, ई बढ़ गया, फिर कितना घटा माइनस आई इंटू आर वन घटा, क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा ना यार, हायर से लोअर ही जा रहे हो, फिर और घटा कितना और घटा माइनस आई इंटू आर टू, और वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये किसके बराबर आ गया, वी ए के बराबर। जनरली ये वी ए और वी ए लोग नहीं लिखते, तो वी ए से वी ए गायब हो गया, तो क्या आ गया आपकी इक्वेशन ई माइनस आई इंटू आर वन माइनस आई इंटू आर टू इक्वल टू जीरो। तो ए क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया, ये बताओ, ए क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया, जीरो आ गया, यही तो स्टेटमेंट है, आया ना, पोटेंशियल ड्रॉप एनी क्लोज लूप इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, सब पक्का, इक्वेशन तो बनाना सीख गए ना। अब जैसे मैं ए पॉइंट लिखता हूं, फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, इधर से इधर जा रहा हूं, करंट इधर जा रहा है, ये बैटरी है, ये आर वन, ये आर टू, ये बैटरी, ये आर थ्री, करो सॉल्व, से बता रहा हूं, पोटेंशियल एट बी लिख दिया, इधर से इधर गए तो रेजिस्टेंस था, तो पोटेंशियल घटेगा रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में, ठीक है, फिर इधर से इधर गए तो बैटरी का वोल्टेज हायर से लोअर गया तो घटा माइनस टू, इधर से इधर गए तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ा प्लस थ्री, फिर इधर से इधर गए प्लस फाइव, फिर इधर से इधर गए क्योंकि करंट की ये डायरेक्शन है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में 15, फिर माइनस 10, फिर प्लस 7 माइनस 25, फिर माइनस 1, ये सॉल्व होके क्या आ रहा है आंसर, 58 आ रहा है, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 58। क्या बात समझ में आ गई, अब मैं कहता हूं अगर यही एक क्लोज सर्किट होता ना तो ऐसे तुम घूम के आ जाते ना फिर से, तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिल जाता, क्या बात समझ में आई या नहीं, क्योंकि जैसे अब ए पे आ गए तो वापिस घूम के कहां पे आते, वी बी पे आते, तो वी बी वापिस वी बी आता तो वी बी वी बी गायब हो जाता, हाँ है ना, क्या समझ में आ गई बात एकदम अच्छी तरह से, तो लूप लॉ भी समझ में आ गया तुम्हें, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक अच्छा लिखो लूप लॉ, स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट लूप इज ऑलवेज जीरो, it states that the algebraic sum of voltage drop in any closed loop of an electrical circuit is always zero. It states that algebraic sum of voltage drop in a closed loop
ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। अब ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये समझ में आ गया? अस्मी कह रही है डेफिनेशन बताते हैं यार। ये लो अस्मी, स्क्रीन शेयर हो गई। ये रहा, ये स्टेटमेंट देख लो। अब ठीक है, ये वाली डेफिनेशन लिख लो, बढ़िया डेफिनेशन है एकदम। अस्मी बच्चे दिखी गई है डेफिनेशन लिख ली है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो तुम्हारी इक्वेशन, देखो लूप लॉ से कैसे बनती है। ये आर, ये ई है और आई इधर मान लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इस बात में। फिजिक्स का सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट है, थोड़ा जितना पढ़ाया है टेस्ट के लिए, ठीक है। मेनली तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही आएगा, करंट के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे सिंपल। देखो ए से स्टार्ट कर दो, पोटेंशियल ऑफ ए, इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और इधर से इधर जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, और वापिस कहां पे आ जाओगे? पोटेंशियल एट ही, ए से ए गायब हो गया तो ई माइनस क्या हो गया? आई आर हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया। तो ई इक्वल टू क्या हो गया? आई आर हो गया। तो आई किसके बराबर आ गया? ई बाय आर हो गया। यही तो पढ़ते हो इस सर्किट में, यही तो करंट होगा। हाँ है ना, बात समझ में? ये नहीं, इसको पहले भी यूज करते थे पर पता नहीं था किरचॉफ लॉ है क्या। ऐसे मान लो आपके दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अब क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट ए लिख दो, इधर से इधर ए प्लस ई लिख दो, माइनस आई आर वन लिख दो, माइनस आई इंटू आर टी लिख दो, इक्वल टू वापिस ए पे आ गया तो इक्वल टू वी ए आ गया, इससे ए गायब हो गया, ई इधर आ गया, आई आर वन प्लस आई आर टू जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा तो ई किसके बराबर आ जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। हाँ है ना, बिल्कुल इंटरलेटेड है। अब समझ में आने लग गया तुम्हें कुछ? अब समझ में आने लग गया? अब देखो
इसको आई मान लो, इधर से आई वन मान लो, इधर से क्या मान लोगे, आई टू आया ना, तो एक लूप तो ये बन जाएगा आपका, और एक लूप आपका ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक बार आर टू को इंक्लूड करके बनेगा, एक बार आर वन को इंक्लूड करके बनेगा। आप चाहो तो एक लूप ये भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट वाला लूप लेते हैं, ई माइनस आई टू इंटू आर टू इक्वल टू जीरो, आया ना। अब मैं ये वी ए वी ए नहीं लिख रहा, अब काटने लग गया मैं उसको, एक स्टेप कम कर रहा हूं। बार वाले लूप के लिए क्या लिखोगे, ई माइनस आई वन इंटू आर वन इक्वल टू जीरो, ये समझ में आ गया सबको? ई फिर इधर से गए माइनस आई वन आर वन, आई वन करंट लीड तो लोगे। अब तुम्हें ये पता है जंक्शन लॉ से आई किसके बराबर होगा, आई वन प्लस आई टू के बराबर होगा, हाँ है ना, होगा या नहीं होगा? तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ई बाय आर टू आई टू, ई बाय आर वन आई वन, आई वन आई टू की वैल्यू इसमें पुट कर दे, क्या आ जाएगा, आई किसके बराबर आ जाएगा, ई बाय आर वन ई बाय आर टू, ई कॉमन आ गया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। मेरे हिसाब से देखो वन बाय आर इक्विवेलेंट है, हाँ है ना वन बाय आर इक्विवेलेंट, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर। अब बात ये तो तुम्हें डायरेक्ट ही आते थे, पर कई जगह ऐसी होगी कि तुम फंस जाओगे, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा ये सीरीज है पैरेलल है, और कई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो ना ही सीरीज होते हैं ना ही पैरेलल होते हैं, हाँ है ना, उसमें किरचॉफ लॉ बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, बस इसी को पढ़ो, एससीबी से किरचॉफ लॉ पढ़ो, ठीक है, आज ज्यादा नहीं पढ़ना, आज इतना ही पढ़ना, किरचॉफ लॉ को ढंग से पढ़ लेना तुम्हें। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? टेस्ट का सिलेबस है जो जो मैंने पढ़ा दिया, बस उतना ही है। अभी बोलता हूँ यार, ओके चलो।